हेलो साथियों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया था और उसमें प्रेजेंट सिंपल के बारे में हमने उसके रूल और उससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस चीज को हमने डील कर लिया है। तो आज हम प्रेजेंट टेंस को और आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। चलिए सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो साथियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, इसका पहचान होता है इज, एम, आर और वर्ब का आईएनटी फॉर्म, ठीक है। और इसमें हिंदी में पहचान है रहा, रहे, रही है, हिंदी इसका पहचान है, आपको मालूम ही होगा। और इसके पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब ऑफ आईएनटी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद इसका नेगेटिव आसान है। इसका नेगेटिव क्या है? आसान। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर ये हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले आपको क्या करना है? इज एम आर सामने लेना है, इज एम आर, इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं हम, डब्ल्यू एच वर्ड जैसे प्रेजेंट सिंपल में देखे थे उसी प्रकार से इसके पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे भी बना देंगे। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रूल होते हैं ना। इस रूल में जो पहला रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका रूल नंबर पहला देखते हैं। कुछ शब्द में जैसे मैं बात करूंगा, नाउ, स्टील, एक प्रेजेंट, नाउ, स्टील, एक प्रेजेंट, ठीक। ये शब्द है नाउ और डेज, शब्द है, ठीक। नाउ और डेज, नाउ स्टिल एट प्रेजेंट है। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, केवल इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। हाँ, अब देखो कुछ इसका उदाहरण लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट जैसे मैं लिखता हूं मेनी फॉरेन बर्ड्स, मेनी फॉरेन वर्ड्स, इसके बाद ब्लैंक है, इसके बाद कम
ऐसा टू इंडिया कम टू इंडिया दिस डे नाउ अ डे एक प्रेजेंट डे और भी शब्द जैसे दिस डे भी आपको याद रखना है दिस डे लुक ये भी शब्द हमेशा इसमें यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे दिस डे आ गया देखिए मेनी फॉरेन बर्ड्स डैश कम टू इंडिया दिस डे इस प्रकार से रहता है ना कि दिया रहेगा या तो डायरेक्ट दिस डे रहेगा है ना और दिस डे में आपको पता करना है वर्ब कौन सा फॉर्म बनेगा यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा क्योंकि यहाँ पास क्या है दिस डे और दिस डे किसमें यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा इज कम क्या हो जाएगा आप यू इज कम ठीक एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका ठीक है एक और एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल में एग्जांपल नंबर टू जैसे एग्जांपल नंबर टू में है आई डैश वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी आई डैश वॉच वेरी इंटरेस्टिंग मूवीज नाउ ऐसा दिया है ठीक है वेरी इंटरेस्टिंग मूवी नाउ ऐसा क्वेश्चन मार्क के चलिए आपके एग्जाम में पूछ देता है तो यहां पर क्या है साथियों नाउ वर्ड ठीक है और नाउ जो है हमेशा इसमें यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर हो जाएगा एम वॉचिंग क्या हो जाएगा एम वॉचिंग और ये भी ध्यान रखना आई के साथ क्या यूज होता है एम ठीक है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना और ही सी इट इसके साथ यूज होगा आपका इसका यूज करना ठीक है बाकी वी यू और दे इनके साथ आपको यूज करना है आर ये थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है सिंगुलर के साथ सिंगुलर ये सब प्लूरल नर्तकार लगेगा और ये सिंगुलर है जिसके साथ यूज लगेगा और आई के साथ केवल याद रखना एम का यूज होता है इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा एम वॉचिंग है चल एक और क्वेश्चन अपन क्या करते हैं इसका देख लेते हैं इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम जैसे है क्वेश्चन जैसे है थर्ड एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं लुक कॉम ऐसा लिखा हुआ लुक कॉम द मैन डैश ऐसा दिया है लुक कॉम द मैन डैश रन आफ्टर द बस he want to catch it ऐसा दिया है ठीक है तो यहां पर देखिए लुक वर्ड आया है इस वजह से क्या होगा यहां पर जो रन है वो क्या हो जाएगा इज रनिंग लुक वर्ड को ध्यान में रखना है आपको लुक वर्ड आता है तो आपको क्या करना है इज रनिंग का यूज करना है ठीक है और इसमें ये भी पहचान सकते हो है ना कि लुक वर्ड आया है तो याद रखना और जितने भी वर्ड मैं आपको बताया हूं है ना वो सभी नाउ दिस डे स्टील नाउ अ डेज एट दिस मोमेंट एट प्रेजेंट डे जितना भी वर्ड सभी वर्ड इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होगा तो ये रूल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये रूल नंबर फर्स्ट चलिए अब इसमें हम लोग रूल नंबर सेकेंड की बात करेंगे इसकी बात करेंगे रूल नंबर सेकेंड इसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रूल नंबर सेकेंड की बात करते हैं रूल नंबर सेकेंड क्या करता है रूल नंबर सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रूल नंबर सेकेंड कहता है while as ये वर्ड याद रखना while as के बाद यदि is am
आर वाई एस के बाद यदि इज एम आर और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करें, वाई एस के बाद इज एम आर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, जब जब सहायक, जब सहायक वा किसमें हो, प्रेजेंट में हो, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वाइल एस से संबंधित उसका एग्जाम्पल ध्यान रखना। वाइल एस के बाद यदि इज एम आर वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कब होगा, जब सहायक वाक्य किसमें हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, तब क्या करेंगे इसका, इस फॉर्मेट का यूज करेंगे जब वाक्य किसमें हो, प्रेजेंट में, टोटल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे लिखता हूं मैं, जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन, जैसे आई सी दिस प्लांट क्वेश्चन करता है, आई सी दिस प्लांट वाइल आई ब्लैंक डैश वॉक इन द गार्डन। अब यहां पर ये वॉक वर्ब है, अब इस वर्ब का एग्जैक्ट फॉर्म यहां क्या आए ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए चलिए अब यहां पर क्या लिखा गया है, वाइल और एस के बाद, वाइल और एस के बाद, यहां एस भी हो सकता था, वाइल है, इसके बाद इज एम आर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, जब सहायक वाक्य क्या हो, प्रेजेंट में, ऐसा लिखा गया। तो इसके बाद क्या होगा, एम आई के साथ एम का यूज होता है और वाक्य हम लोग लगा देंगे, लेकिन ये कब लगेगा, जब वाक्य किसमें हो, प्रेजेंट में हो, तो वाइल के पहले हमको देखना है, वाइल के पहले प्रेजेंट का पहचान क्या है, केवल वर्ब को देखते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, आई सी दिस प्लांट प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, तो आगे वाइल आया तो वाइल के बाद जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें वर्ब क्या रहेगा, एम वाक्य अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। तो सेकंड नंबर का रूल है, इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछता हूं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया हमारा समाप्त, इसमें दो ही रूल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसका पहचान क्या है साथियों, इसका पहचान साथियों हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका क्या है पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या है, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सामने सब्जेक्ट रहेगा, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें हिंदी में वाक्य में इसका पहचान है, कर लिया है, चुका है, दिया, चुके है, ऐसा सेंटेंस में आपको हिंदी के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश में पहचान क्या है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका पहचान है। ठीक है, अब देखो निगेटिव बनाएंगे, इसमें यदि हम क्या बनाते हैं, निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव जब भी बनता है हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, हैज के साथ नॉट लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसको याद रखना, बाकी सामने में सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट यह रहेगा ही रहेगा। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज क्या हो जाएगा, सामने, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने अपना काम पूरा किया, है जो भी तो भी नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने अपना काम पूरा किया है, मतलब अभी अभी कार्य क्या हुआ है,
समाप्त हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, इसको ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने को मैं क्या लिखूंगा, आई मैंने को क्या लिखूंगा, आई। अब उसके बाद हैज लगेगा या तो हैव भी लगता है, ठीक है, हैज के साथ हैज और क्या लगता है, इसमें दो चीज याद रखना, हैज और है, हैज और हैव रहेगा, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। और इसको भी ध्यान रखना, हैज जो हैज किसके साथ लगता है, ही सी इट और किसी भी नाम के साथ, किसी भी नाम के साथ लगता है। जबकि हैव जो है किसके साथ लगेगा, यू आई वी दे और प्लूरल, और किसके साथ, प्लूरल, बहुवचन के साथ लगता है। चलिए आई उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद ये आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, है, ठीक है, ये दोनों लगता है, हैज भी लगेगा है भी लगेगा, ठीक, ध्यान यहां पर लिख भी सकते हैं। ठीक, चलिए आई हैव, आई हैव उसके बाद वर्ब देखना है, ये काम ऑब्जेक्ट है, पूरा किया, पूरा पूरा करना क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई, अपना के लिए आई का अपना माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये हो गया। और देखिए यहां पर क्या है, हैव आ गया, हैव के साथ, हैव के साथ क्या है, ये हैव है, हैव के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जानने के लिए एग्जाम में आपको पूछता है। निगेटिव क्या हो जाएगा इसका, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, ऐसा इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसमें इसमें जो रूल देखेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, रूल इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड जैसे जैसे मैं लिखता हूं रिसेंटली, रिसेंटली वर्ड आया, ऑलरेडी, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, ध्यान रखना नाउ किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का जस्ट नाउ, जस्ट जुड़ जाएगा, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। येट, 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 ये वर्ड याद रखना, सो फार, सो फार, एक साथ रहेगा। तो ये शब्द हमेशा, ये शब्द हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाते हैं, ठीक, जस्ट। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं, ठीक, चल, जैसे दे, पहला दे, दे डैश ऑलरेडी फिनिश देयर वर्क, देयर वर्क, ऐसा दे डैश ऑलरेडी फिनिश देयर वर्क, ऑलरेडी फिनिश देयर वर्क, फिनिश क्या है यहां पर, वर्ब, फिनिश क्या है, वर्ब है, लेकिन कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। और यहां पर फिनिश ऑफ ब्लैंक्स है, ऑलरेडी शब्द दिया है, ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हैज या बोलो हैव, इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा इसका साथियों, दे हैव, प्लूरल है, प्लूरल वर्ड, दे हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी फिनिश, फिनिश देयर वर्क, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, हैव ऑलरेडी है फिनिश, तो यहां पर क्या है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, तो है ऑलरेडी, आपको ध्यान में
रखना। चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल, ही डैश गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ ऐसा है, ठीक है। ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, क्या ये सही है? गो बसते लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या आ गया है, जस्ट नाउ आ गया है। तो जस्ट नाउ जब भी आएगा आपको याद रखना है हैज या तो है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए? आंसर होगा ही हैज, ही के साथ हैज, गो का गोल वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ही हैज गोन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए इसमें एक ही और याद रखना, ये हमारा पहला रूल, इसी में दूसरा रूल है। जैसे कुछ शब्द ऐसा है, इट इज फर्स्ट टाइम, ये वर्ड को आपको याद रखना है, इट इज फर्स्ट टाइम, वर्ड क्या है, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज इट इज थर्ड टाइम, ऐसा लिखा रहेगा, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो इस शब्द से भी स्टार पॉइंट है, ये भी इसको भी ध्यान रखना, यदि इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तब भी आपको क्या करना है, तब भी आपको ध्यान रखना है हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होगा। जैसे मैं लिखता हूं इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, एग्जाम्पल वन दे देते हैं, इट इज फर्स्ट टाइम डैश या कॉमा आई डैश कम लेट, ऐसा दिया है, इट इज फर्स्ट टाइम डैश या कॉमा आई ब्लैंक कम लेट। अब यहां देखिए यहां पर स्टार्टिंग में क्या है साथियों, स्टार्टिंग में है इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, आपको क्या याद रखना है हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव, आई का हैव कम लेट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दो रूप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा ध्यान रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस आए, जब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी में रहेगा, परफेक्ट साथ कंटिन्यूअस आता है, इसका मतलब होता है बी प्लस टाइम, ये आपको ध्यान रखना है बी प्लस टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, बी प्लस टाइम आपका रहेगा ही रहेगा। टाइम में दो प्रकार का हो सकता है, टाइम में एग्जैक्ट टाइम और एक इन एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर टाइम या फिक्स टाइम और इनफिक्स टाइम, ठीक है, इसमें फिक्स नहीं रहेगा। दो प्रकार का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम जैसे मैं बोलूंगा 2016 से पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस भी है परफेक्ट भी है, ठीक। तो इसमें समय के साथ पहचान इसका यह है, समय के साथ टाइम के साथ रहा होगा, टाइम के साथ रहा है ऐसा शब्द आएगा, ठीक है, टाइम के साथ और दो वर्षों से पढ़ रहा है, 2016 से बीएससी की तैयारी कर रहा है, इस प्रकार से तो समय दिया रहेगा उसमें, दो साल, सन दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, मंथ दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, कुछ भी रहेगा। 2016 एग्जैक्ट टाइम है, उसके बाद इन एग्जैक्ट टाइम जैसे मैं लिखा टू आवर्स, जैसे मैं बोलूंगा टू आवर्स, मोहन दो घंटों से पढ़ रहा है, इस प्रकार, ठीक है, टू आवर्स, ठीक है। देख अब इसमें
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका संरचना क्या होगा, इसका संरचना किस प्रकार से होता है, स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार से रहेगा, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर बीन, फिर क्योंकि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में आएंगे जाता है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ये एग्जैक्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस का, ठीक है, इन एग्जैक्ट टाइम या इन प्रॉपर टाइम के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर, था, ठीक, एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस, इन एग्जैक्ट टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा साथियों, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एक उदाहरण, मोहन सुबह से, मोहन सुबह से पढ़ रहा है, ऐसा, ठीक है। अब यहां पर टाइम भी आया, पढ़ रहा है, अगर यहां पर मान ली चलिए, यहां पर मैं सुबह को हटाता हूं, सुबह को हटा दिया तो मोहन पढ़ रहा है से हट जाए, तो मोहन पढ़ रहा है कंटिन्यूअस बस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन टाइम दे दिया है, सुबह दे दिया, शाम दे दिया, दोपहर दे दिया, दिन दे दिया, मंथ दे दिया, ईयर दे दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, मोहन, चेंज करते इसको, मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है मोहन, एकवचन है, एकवचन है मोहन हैज बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म क्या होगा, पढ़ रहा है, पढ़ना, पढ़ना क्या बोलेंगे, रीडिंग, फिर क्या होगा, सिंस या फॉर। अब देखिए यहां पर ध्यान ही देना है, सुबह बोला है, सुबह क्या होता है, फिक्स होता है 12 घंटा का, सुबह होता है 12 घंटे का, रात का टाइम होता है, एएम पीएम पे लिखा है ना, एएम और पीएम, एएम सुबह वाला, पीएम रात वाला टाइम, ठीक है, सुबह है, ठीक है। तो मोहन हैज बीन रीडिंग सिंस, सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मोहन हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है साथियों, नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं है, नेगेटिव में आपको ध्यान ये रखना है, नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे तो हैज या हैव, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, बाकी सेम हैज हैव नॉट ये लगाना है, बाकी सेम इसका बना लेते हैं, जैसे मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा। इंट्रोगेटिव में फिर क्या करना है, इंट्रोगेटिव में हैज सामने ले आते हैं, हैज मोहन, अगर नॉट नेगेटिव तो नेगेटिव भी लगा सकते हैं, नहीं रहेगा नहीं लगाना, हटा देते हैं, हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस सिंस मॉर्निंग मॉर्निंग, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा इसमें नहीं लगा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आपको लगा देना, ठीक, तो ऐसा करके हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि हैज हैव हैज हैव बीन इसके बाद सिंस है, सिंस है, इसके बाद जो भी वर्ब यूज करेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान में रखना, अलग टाइप से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, क्या बोला हम समझना, यदि सिंस आ गया, ठीक है, सिंस आ गया, लेकिन
सेंस आ गया, और लेकिन उसमें समय की बात नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी, समय की बात नहीं होगी। यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है ना, टाइम नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया रहेगा, एग्जैक्ट टाइम इनएग्जैक्ट टाइम दोनों में से कोई भी नहीं दिया रहेगा। और सेंस लिखा रहेगा लेकिन सेंटेंस में, उसके बाद आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। जैसे समझना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से और क्लियर होगा। जैसे जैसे मैं लिखता हूं मदर डैश स्लीप सिंस यू वेंट टू ऑफिस, यू वेंट टू ऑफिस, जैसे ऐसा, ठीक है, यू वेंट टू ऑफिस, मदर डैश स्लीप सिंस यू वेंट टू ऑफिस। अब यहां पर देखिए, समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं, सिंस के बाद, सिंस के बाद